तो नमस्कार आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्डिस में तो आज हम बात करने वाले हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में जैसा कि आप लोग थमनल में देख देखे होंगे कि जैसा कि दिया गया है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के सभी सत्र सत के रिजल्ट में हो सकती है देरी तो इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट है मुंगेर यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंडिडेट हैं जितने भी छात्र छात्राएँ हैं या फिर आप लोग पीजी में या फिर यूजी में पार्ट वन में या पार्ट टू में ये सेमेस्टर वन में या सेमेस्टर टू में किसी में भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग बता दें कि आप लोग किसी का भी अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया है उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले थे उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आप लोग बेलाइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं मुंगेर डिविस्टी से रिलेटेड आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही आप लोग बता दें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का जहाँ पर आप लोग जाकर इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सीधे प्रोवाइड कर दिया जाता है जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए हम आज बताते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है कब आ सकता है या इसमें विलंब हो सकता है सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया स्नातक पार्ट वन एवं पीजी सेमेस्टर वन के रिजल्ट में हो सकता है विलम्ब यहाँ बात ये नहीं कि स्नातक पार्ट वन और पीजी सेमेस्टर वन के रिजल्ट ही रुकी हुई है बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो रुके हुई है जिसका रिजल्ट है और जिसका रिजल्ट है जो अभी तक नहीं जारी किया गया है तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि क्यों विलंब होने वाले हैं आप लोगों का रिजल्ट का तो यहाँ जैसा कि दिया गया है कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय से मुंगेर विश्वविद्यालय और उसके सभी महाविद्यालय बंद होने के कारण सत्र दो हज़स बाईस यहाँ ध्यान दीजिएगा अपना सत्र पर स्नातक पटवन सत्र दो हनाई बाईस स्नातक पटवन यानी कि अंडर ग्रेजुएट का दो हज़ार बाईस सेशन का पार्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है वहीं बात करें यहाँ दिया गया सत्र दो हज़ार इक्कीस पी जी सेमेस्टर के रिजल्ट का यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि पी जी सेमेस्टर का जो रिजल्ट है सत्र दो उन्नीस इक्कीस उसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है वहीं पर यहाँ दिया है कि जारी होने में विलंब हो सकता है क्योंकि स्नातक पट वन और पीजी सेमेस्टर के सामान्य विषयों के ऑनर्स व सब्सिडी विषयों की परीक्षा लगभग पाँच माह पूर्व होने के बाद यानी कि पिछले पाँच महीने पहले ही इसकी दोनों एग्जाम हो गई थी जैसे कि स्नातक पट वन एंड पीजी सेमेस्टर सेमिस्टर वन दोनों की एग्जाम लेकिन यहां पर दिया गया है कि परीक्षा माह पहले ही हो गई थी लेकिन जो प्रयोग परीक्षा होती है प्रायोगिक परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा वो अभी तक नहीं हुई है यहाँ दिया गया कि प्रायोगिक परीक्षाएं अब तक लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई है वहीं अनलॉक पाँच में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बारह जुलाई में से महाविद्यालय मह को खोलने का निर्देश तो दे दिया गया है लेकिन इस दौरान छात्र छात्राओं की मात्रा पचास प्रतिशत उपलब्ध थी और किसी प्रकार की परीक्षा न लिए जाने के निर्देश के कारण दोनों सत्रों का रिजल्ट जारी होने में विलंब हो सकता है हालांकि एम यू स्नातक पटवन के यानी कि मुंगेर यूनिवर्सिटी स्नातक पटवन के वाणिज्य विषयों का रिजल्ट जारी कर सकता है क्योंकि वाणिज्य विषय के जो रिजल्ट है वो जारी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसका जो पेपर है उसे जा जचा गया है और साथ में उसका जो परीक्षा होनी थी वो भी हो चुका है दिया कि यह कब तक जारी होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तो सबसे सब पहले आप लोग बता दें कि जो भी रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है वहीं अगर हम बात करें अभी अभी कि स्नातक पठवन दो हजन सेशन और पी सेमेस्टर पी सेमेस्टर दो हजार इक्कीस सेशन का तो इसका जो रिजल्ट इसलिए अटका हुआ क्योंकि इसका जो प्रयोगिक परीक्षा है वो नहीं हो पाया है इसका सिर्फ परीक्षा हुआ था उसके बाद लॉकडाउन लगने कारण इसका जो प्रयोग परीक्षा है जिसकी वजह से नहीं होने के कारण आप लोगों का रिजल्ट बिना प्रयोग परीक्षा के अंक के बिना नहीं जारी किया जा सकता इसलिए अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जैसा कि आप लोग का रिजल्ट कब जारी हो सकता है तो आप लोग बता दें कि जैसे एग्ज़ाम लेने की आदेश जारी कर दी जाएगी यानी कि बिहार सरकार द्वारा आदेश लेने की सॉरी एग्जाम लेने की जो आदेश उसे जारी कर दिया है कि आप लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले सकते हैं जैसा कि आप लोग बता हैं कि सभी यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी अभी एग्जाम नहीं ले सकती जब तक कि बिहार सरकार द्वारा आदेश नहीं आ जाता क्या तब तक आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो सकता जैसा कि यहाँ दिया गया रिजल्ट जारी होने में हो सकता है विलंब बता दें कि एम द्वारा इस वर्ष जनवरी जन फरवरी माह में और उसी के बारे में पूरा डिटेल में फिर नीचे यहाँ दिया गया है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जिसके बाद लगभग तीन माह बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग बारह जुलाई से एम और उसके कॉलेजों को कई सुरक्षात्मक नियमों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया जैसा कि इसमें दिया गया है कि आप लोगों का जो पचास प्रतिशत स्टूडेंट हो सकता है लेकिन किसी प्रकार के आप लोग एग्जाम नहीं ले सकते हैं ऐसा कहा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि जबकि महाविद्यालयों में पचास प्रतिशत विद्यार्थी एक दिन उपस्थित होंगे ऐसे में एमयू के लिए स्नातक के लगभग बीस हज़ार से अधिक विज्ञान कला के भूगोल सहित अन्य विषयों के की छात्राओं की प्रयोग परीक्षा लेना संभव नहीं है जिसके कारण दोनों सत्रों के रिजल्ट जारी एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमर कुमार ने बताया कि स्नातक पटवन और पी सेमेस्टर वन व कला एवं विज्ञान विषय परीक्षा अब तक लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई है और वहीं 12 जुलाई से भी विद्यालय और कॉलेज खुलने का निर्देश तो दे दिया गया है लेकिन परीक्षा लेने की निर्देश नहीं दी गई है यहाँ पर दिया गया है कि जैसा परीक्षा नहीं ली जानी है साथ ही केवल पचास प्रतिशत विद्यार्थी ही बैठ सकते हैं यानी कि आप लोगों का जो कॉलेज तो खुल यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खुल गया है लेकिन एग्जाम लेने की ऊपर से ऊपर स्थिति नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं यानी कि आप लोग का रिजल्ट किसी भी जिसका भी रिजल्ट अभी अटका हुआ है उसका रिजल्ट अभी नहीं आ सकता और हाँ जिसका जो प्रयोग परीक्षा हो गया है और जिसका रिजल्ट अटका हुआ है उनको बता दें कि उसका रिजल्ट आ सकता है क्योंकि उसका कॉपी जो जाँच होनी शुरू हो गई है साथ ही उन उसका भी जिसका उसका रिजल्ट जल्द ही तो जा जारी कर दी जाएगी जिसका भी प्रयोग परीक्षाएँ हो गई है सही परीक्षाएं जो भी परीक्षाएं होती है वो क्लियर हो गई है तो उनका रिजल्ट है जल्द ही जारी कर दी जाएगी लेकिन जिनका प्रयोग परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है उनका जो रिजल्ट जारी होना संभव नहीं है क्योंकि बिना प्रयोगिक परीक्षाएं के जो रिजल्ट है उसे जारी नहीं किया जा सकता तो चलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोगों को न्यूज कैसा लगा आप लोग कमेंट लो करके बताइएगा और साथ ही इसी तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसी तरह के मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती आएगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा साथ ही आप लोगों टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी आप लोग को वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत